आज का एहतजाज करने का मकसद ये है, 8 साल बच्ची जो आसिफा कश्मीर में उसकी इज्जत रद्द करी गई, 8 साल की बच्ची के साथ मंदिर के अंदर जिस तरह शैतान भी हरकत नहीं करता उससे भी ग्रेवी हरकत जो करे हैं ये रेपिस्ट। हमारा मुतालबा ये है गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से, कि रेपिस्ट को जल्द से जल्द फांसी का मुतालबा करे और फांसी को जल्द से जल्द दे। अगर जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, आसिफा के वालिद को वालदा को हमारा एहतजाज जारी रहेगा और इसी तरह हम रैलियाँ निकालते रहेंगे और इसी तरह हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक आसिफा को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरा यही मुतालबा है, जब तक आसिफा को इंसाफ ना मिले आपका ये एहतजाज, आपका ये रैली, आपका ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रफी। आज जो रैली निकाली गई आशामाबाद मस्जिद इब्राहिम से लेकर फलखनुमा तक, नौजवान बच्चे बूढ़े सब लोग शामिल थे इसके अंदर। कि आसिफा नाम की जो बच्ची है, बच्ची के साथ जो 8-3 महीने पहले किडनैप किया गया, वहाँ की हुकूमत जो है ना इसके ऊपर एक्शन नहीं ली गई, इसके बाद जो है ना मंदिर में रखकर बच्ची के साथ 8 दिन तक जो है ना इसके साथ रेप करके जो बच्ची को मारा गया, इसके जो भी जिम्मेदारान हैं, जो लोग अरेस्ट हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द जो है ना अदालत फैसला सुनाकर 20 चौराहे पे लोगों को फांसी दे कि दोबारा फिर ऐसी हरकत जो है ना हिंदुस्तान में ना हो। और हम मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बोलना चाह रहे हैं, हमारे तरफ से अपील करना चाह रहे हैं कि ऐसे जो आपकी पार्टी के रहने दो को जो भी लोग हैं इनको फौरी पार्टी से बरतरफ कर देना चाहिए और इनको जो है ना कोई तायद आपकी पार्टी की तरफ से नहीं करना चाहिए। और इनको जो है ना मंदिर में जो बच्ची को रखे हैं, जो एक मजहबी लोग मंदिर को जो है ना अपनी इबादत का बोल समझते हैं, वो इबादत का को जो है ना वहाँ पर रख के बच्ची के साथ वो मंदिर की भी जो है तोहिन कर दिए है, इनको फौरी फौरी से फौरी जो है ना फांसी की सज़ा होना चाहिए। Así lo, 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 así
सीधो यस 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।